देख रहा हूँ कि कैसे मक्खन लगा रहे हैं। ये मक्खन लगाने में महर है। अच्छा अपना सारन के साथ खाना जो है राजू के खा ले, फिर चावल में खाने पड़े। ये औरतें जो है ना हमसे पहचानी भी नहीं जा रही। ये देखे मेरी प्यारी सी बेटी ने इतनी प्यारी मेहंदी लगाई हुई है। दुल्हन भी बनी है, दूल्हा भी बना। क्या बनाया हुआ है अहमद? मोमबत्तियाँ। मोमबत्तियाँ, अच्छा जी। फैमिली हम पहुँच चुके हैं और हमारी बेटी जो है ना माशाल्लाह इतनी प्यारी मेहंदी लगाई है, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार गांव की जैसे शादियां होती हैं, अच्छे अच्छे माहौल होते हैं। अभी जो शाम हो रही है तो बैठे थे, वैसे कोई भी नहीं था। जो भी दावत वलीमा खत्म हुआ, खाने वाले अपना व्लॉग बना रहे हैं। मैं सीसीटीवी बना हुआ हूँ, अपने टाइपिंग वगैरह करते रहे मोबाइलों की। माशाल्लाह ये तो हमारी न्यू भाभी लग रही है। हमने कहा हमारे भाई भाभी आए, मामू मेहमानी आए, लेकिन हमारे साथ किसी ने नहीं बनाया। अच्छा आप हमें कह रहे हैं तो हम बनवा रहे हैं। अभी आप आ गए और हम बनवा रहे हैं। अबू बकर ने बुलाया, हम आ गए जी। ये तो सब मैं तो परदस्ती लेके आया हूँ। नहीं वही शाम हो रही थी, मैंने कहा वहाँ जो है ना नहीं आना, आपने मेहमान प्यारे बहन भैया, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक थे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आपकी दुआओं से। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, थोड़ा मेरा गला खराब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप हमें देख रहे हैं अल्ताफ भाई के चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तो भी ऐसा ठीक है, ऐसा बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आज वीडियो बनाने पाए असा मामू के चैनल चाहे खड़े हैं ते वीडियो कंप्लीट देखने बहुत वीडियो मजेदार थी होना लिए ते असा पूरी फैमिली वीडियो बनाने पाए। सलाम तक करने दो, इतना जल्दी क्या है एकदम से। अच्छा कर लो जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या चल रही है? मैं तो सब ठीक होगी, अल्लाह करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। और देखो बक्का ने मुझे टोका है इसीलिए मुझे बोला। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन ये औरतें जो है ना हमसे पहचानी भी नहीं जा रही। सीरियसली देखिए हम कितने काले लगते हैं, इन्होंने मेकअप इतने किए हुए हैं, ये जो है ना पता नहीं चल रहा कि ये वही है या और है। उल्लिया चेंज हो चुका है माशाल्लाह से। चले अल्लाह ताला नजरे बाद से बचाए। माशाल्लाह भाभी जान तो बहुत प्यारी लग रही है सीरियसली। हाँ अल्लाह ताला नजरे बाद से बचाए दोनों को। माशाल्लाह जोड़ी जो है ना बहुत प्यारी लग रही है। शादी हो गई है। नहीं मेरी शादी तो कब की हो गई है? नहीं ये न्यू भाभी, हमारी शादी को तो 15 साल हो गए। हाँ जी माशाल्लाह शादी हुई थी तो ये सीरियस से भी अच्छी थी। हाँ जी, तो प्यारे बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा हो चुका है, लेकिन अभी भी मेहमान आ रहे हैं। और ये हमारा देहात का जो वलीमा होता है ना, तो इसमें काफ़ी परेशानी बनती है हमारे लिए, चलता रहता है। तो अभी तक भी मेहमान आ रहे हैं और खाना बन रहा है। तो आगे की वीडियो आप सबसे शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप सबसे गुजारिश है वीडियो को कम्प्लीट देखना है। कल सुबह की जो वीडियो है ना वो बहुत मज़ेदार होगी। कल जो है ना ऐसे समझे पर ना आए, हम दुल्हन को लेने के लिए जाएंगे। दुल्हन जो है वो पर नीचेगा। हाँ पर नीचेगा, कल जो है ना दुल्हन आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला। तो अब जो है ना थोड़ी देर बैठते हैं, गपशप करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आप सब ने हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है, ठीक है जी। अब जो है ना मगरिब के बाद का टाइम है, अंधेरा हो चुका है ये आप देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ताज हमने अदा कर ली है, तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अकरम भाई वीडियो देख रहे हैं माशाल्लाह, और कर रहा हूं। हाँ एडिट करनी होगी। सही है, वीडियो अभी मेरी कंप्लीट हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी ना एडिट वगैरह कर लूँ, क्योंकि टाइम से काफ़ी हो चुका है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर सर्विस भी कम होती है ना। हाँ बिल्कुल, तो सोच रहा हूँ कि यह तकरीबन 10-11 बजे तक वीडियो चली जाए। चले इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। आप अपना काम करें, और ये जा रही हैं जी मेहंदी लगाने के लिए दुल्हन को। तो
हम जो है ना अगर लेट हो जाए तो आप जो है सो जाए। मेहंदी बच जाए तो ले आना। दुल्हन की मेहंदी किसी को नहीं लगाई जाती। हाँ जी। और जो लगाता है ना तो फिर उसके एक साल बाद ना और ही उसका निकाह हो जाता है। तो हम ना आपके लिए तो हर केस नहीं लेकर आएंगे, खास आप दोनों के लिए। हाँ जी। चुप करके बैठ जाए। हाँ, सो जाए, बैठना भी नहीं, सो जाए। सो जाए, खूब से नींद करो ना। चलें जी, हम बैठे हैं, आप जाएं। ये रस्म होती है देहाती इलाकों में, दूल्हे वाले दुल्हन को मेहंदी लगाने के लिए जाते हैं, फिर वो दुल्हन वाले आते हैं। पहले दूल्हे वाले जाते हैं, फिर दुल्हन वाले आते हैं मेहंदी लगाने के लिए। चलें जी, आप जाएं, हो आए, हम इधर बैठे हैं, इंतजार करेंगे। संभालना है बच्चों। हाँ जी, संभालेंगे जी। ठीक है, हम जा रहे हैं। जाओ जाओ, बच्चों का ख्याल रखना, हम लोग जा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा। ये देखें जी, सब जो है ना तैयार हो चुके हैं। आप जो है ना दुल्हन को मेहंदी लगाने के लिए जा रहे हैं। जब हम वापस आएंगे तो फिर जो है ना वो लड़की वाले आएंगे जी। तो अब हम जो है ना जा रहे हैं मेहंदी लगाने के लिए, रास्ते में रक्षे पे जा रहे हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो फिर सब बहन भाइयों को दिखाएंगे दुल्हन को मेहंदी कैसे लगाते हैं। फाइनली हम जो है ना लड़की वालों के घर में पहुँच चुके हैं। ये देखें जी, इधर भी कुछ औरतें आई हुई हैं और इधर जो है ना कुछ नजर नहीं आ रहा भाभी जान, क्योंकि लाइट नहीं है ना। हाँ जी, लाइट, कैमरे की लाइट भी ऑन नहीं की है। हाँ जी, तो इस वजह से अंधेरा है। अंधेरा है, पक्की बात है। चले जी। घर में है जिस बच्ची को हमने मेहंदी लगानी है, अब जो है ना मेहंदी लगाते हैं। और भाभी भी मेरे साथ है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी साथ हूँ। और चलते हैं और दुल्हन को मेहंदी लगाते हैं, फिर फंक्शन देखेंगे, फिर जब भी वापसी होगी इंशाल्लाह वो भी आप सब बहन भाइयों से शेयर करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये बहुत ही मजेदार गाँव की जैसे शादियाँ होती है, अच्छे अच्छे माहौल होते हैं, बच्चे होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, शुगल मेले करते हैं, बहुत ही अच्छा माहौल और बहुत ही मजेदार जो है शादी अटेंड करते हैं जी। और हमारे पीछे बहुत से लोग बैठे हैं, ये नहीं समझना कि हम पीछे। हाँ। क्योंकि ये है ना कि कैमरे का अलाउ नहीं है ना, तो इस वजह से हम यूट्यूब पर आए तो हम तीनों ही वीडियोज बनाएंगे ना, और दूसरे को तो नहीं हम साथ में रख सकते ना। बिल्कुल। तो इस वजह से हम यहाँ पहुँच चुके हैं, तो हम तीनों ही साथ हैं और भाई भी हमारे साथ जी। बिल्कुल जी। तो चलें फिर इंजॉय करते हैं। हे रोज दर्शन तरना होवे, मत कई वेले धय पोवे, बहु लगते डर सरना होवे। जी में जे आ गया चन वक्त जुड़ पोसी, फिलहाल मगर तरना होवे, यार सजाद दिया मत है, पट रख दू दर दर ना। फैमिली हम पहुंच चुके हैं और हमारी बेटी जो है ना माशाल्लाह इतनी प्यारी मेहंदी लगाई है, माशाल्लाह बहुत प्यारी मेहंदी लगी हुई है। और ये जो है ना पहले लगाई है, हम भी लगाएंगे, हम जो है ना अपनी रस्म पूरी करेंगे, 10 रुपए हाथ में रखकर फिर जो है ना मेहंदी लगाएंगे। तो जब लगाएंगे वो भी आप सब बहन भाइयों से शेयर करेंगे। असल मेहंदी जो है ना मैं दिखाना आपको भूल गई थी। ये देखे मेरी प्यारी सी बेटी ने इतनी प्यारी मेहंदी लगाई हुई है, दूल्हा और दुल्हन जो है ना बनी हुई है हाथों पे। अल्लाह पाक हमारी बेटी के नसीब अच्छे बनाए, हम तो दुआ करते हैं। इधर करके दिखाऊं, ये देखें जी, दुल्हन भी बनी है, दूल्हा भी बना है, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें बच्चों जो है ये क्या बना रहे हुआ है, क्या बनाया हुआ है अहमद? बम बत्तियां। अच्छा जी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। आप जो है ना ये क्या हुआ,
गिर गई नीचे। चले जी बना ले बना ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जो है ना अपनी बेटी को मैं मेहंदी लगा रही हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास जो है ना ये रिवाज होता है, 10 रुपए रख कर फिर जो है ना मेहंदी लगाते हैं। अब ये वेल किसको देनी है? अब जो है ना हम वापस जा रहे हैं, मेहंदी हमने लगा ली। अब जो है ना दूल्हे वाले आएंगे, फिर दूल्हे वाले मेहंदी लगाएंगे। माशाल्लाह बच्चे उठ गए हैं। और अपने नाश्ते के लिए क्या लाए हो? पति और पापे लाए हो। अब जो ना चाय बनाऊ आपको दूं? भूख ज्यादा लगी है? चलें जी, मैं जो ना चाय बनाती हूँ और बच्चों को देती हूँ। ये देखें हाजरा भी उठ गई है। हाजरा भूख लगी है आपको? चलें ठीक है, मैं जो है ना नाश्ता बनाती हूँ फिर जो है ना आपको देती हूँ। और ये सारे कपड़े जो है ना कुछ मैंने धो लिए हैं और बच्चे उठ गए हैं और बच्चों को जो है ना मैं नाश्ता देती हूँ। और उधर भी कपड़े हैं क्योंकि अभी तक जो है ना तार वगैरह नहीं ली, इसी वजह से जो है ना दीवार पे डालती हूँ कपड़े में। और इधर भी है, चारों तरफ जो है ना कपड़े हैं। तो फिर जो है ना और कपड़े जो पड़े हैं वो भी धोती हूँ और सब बहन भाइयों से शेयर भी करती हूँ। वसीम अकरम और इब्राहिम माशाल्लाह बैठे इंतजार में और चाय बन रही है, फिर जो है ना तो नाश्ता करवाते हैं। हाँ जी, पहले जो है ना ये चार और पापे के साथ नाश्ता करते हैं, फिर जो है ना रोटी खाते हैं। मैंने सोचा जल्दी जल्दी चाय बना कर दे दूँ और मेरा जो है ना गला बहुत ज्यादा खराब है। मैं थोड़ी बोतलें पिया करो। नहीं बोतल मैंने नहीं पी। हाँ क्या पिया? थोड़ी सी पी थी, वो भी जब उधर अहमद भाई के घर गए थे। माशाल्लाह जी, भाभी जान भी आ चुकी हैं और सब बहन भाइयों को गुड मॉर्निंग भी हो गया क्योंकि सुबह हो चुकी है। आज जो है ना पढ़ना है, फिर तैयारी करेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, आपने करना नाश्ता चाय के साथ? नहीं मैंने अभी नहीं करना, मैंने अभी नहीं करना। माशाल्लाह से तंदूर भी गर्म हो रहा है, बच्चों ने भाभी जान ने नाश्ता कर लिया है और फिर जो है ना रोटी लगा के तंदूर वाली रोटी भी खाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम जो है ना चाय और पापा नहीं खाते सुबह के टाइम। नहीं हमने कभी नहीं खाया। चलें जी तंदूर गर्म हो जाए और फिर जो है ना आगे की वीडियो आप सबसे शेयर करते हैं। हबीब आया तो तंदूर जला, वरना इनसे जो है ना जलने वाला नहीं था। भाभी सुबह की कोशिश, भाभी का है, काम नहीं है भाई। हाँ। बहुत कोशिश की है भाभी ने, क्योंकि हम वीडियो में देखते थे बहुत सर्दियां थी, जब धुंध की मौसम थी ना, धुंध आती थी सर्दी, उस टाइम भी ये चूल्हे के ऊपर आके बैठता था सुबह सुबह, कोई भी नहीं होता था। जी। ये आग जला रहा होता था। छोटा सा बच्चा है लेकिन इसको तरीका ना आग जलाने का बहुत आता है। हबीब अल्लाह को तरीका जी नहीं। हाँ आग जलाना जो है ना इसकी ड्यूटी होती थी, आग यही जलाता था हबीब अल्लाह। वजह पता क्या है? वजह ये है कि ठंड की वजह से भी ये ट्रेन हो गया है, क्योंकि ठंड ज्यादा लगती थी। जी जी। ये कहता था वो तो जब आग जलाए ना जलाए, चलो मैं अपनी जला के जला के बैठ जाऊँ और सेकता रहूँ। चलें जी माशाल्लाह तंदूर जल गया है। हम तो बहुत खुश हो रहे हैं। बस थोड़ी देर तक जो है ना इंशाल्लाह ताला सफेद हो जाएगा, गरम हो जाएगा, फिर रोटी लगाते हैं। फाइनली तंदूर गरम हो चुका है माशाल्लाह से। ये देखें जी, ये अब जो है ना सफेद लग रहा है और आटा भी आ चुका है रोटियां पकाने के लिए। हाँ जी चलें जी जल्दी आए और फिर जो है ना रोटियां बनाते हैं। फाइनली पेड़े कुछ बन चुके हैं, ये देखें जी। और तंदूर जो है ना अभी जल रहा है, लकड़ियां जो है ना कुछ अंदर पड़ी हैं और भाभी जान जो है ना ये देख रही हैं, तैयारी कर रही हैं कि मैं भी इधर जाऊं रोटियां लगाऊं। नहीं मैं खुद लगाऊंगी, भाभी ने कभी नहीं लगाई। नहीं क्यों नहीं लगाई? लगाई है क्यों नहीं लगाई? मुझे आती है रोटी। ये आप उसके साथ लगाती है, हाथ के साथ लगाती है? हाँ सिर्फ आप लगाती है तंदूर पे और कोई नहीं लगाता। मैं आपके साथ लगाती हूँ, इसके साथ नहीं लगाती। ये तो आधी हो चुकी है, हम इसको बोलते हैं सीनो। हाँ, सीनो। पता नहीं उर्दू में आप लोग क्या बोलते हैं। सीनो से बनाती है ना रोटी नीचे लगाने के लिए, तो मैं ना ऐसे हाथ हाथ से लगाते हैं।
चलें जी सीखें। और ये बात हो जाए ना इतने तक आपके जल जाएगा सीखते सीखते। हाँ शुरू शुरू में जलते हैं बाजू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहली रोटी बढ़ चुकी है। ये आ गई जी पहली रोटी। चलें जी लगा लें फिर जो है ना मिलते हैं। हाँ जी माशाल्लाह जी भाभी जान जो है ना मक्खन के साथ रोटियां मख रही है जी। पहले जो है ना बच्चों को खिलाते हैं गरम गरम रोटी। भाभी ना वो तंदूर से निकाल रही थी तो मैंने कहा ना मैं यार मक्खन उनको लगाती जाऊं क्योंकि ये ना बर्फ की फ्रिज में रखा है ना जमा पड़ा है। जी जी फिर रोटी भी ठंडी हो जाती है तो इस वजह से मैं मख रही हूँ साथ के साथ मक्खन लगा रही हूँ। हाँ जी जिस बहन भाई ने मक्खन वाली रोटी खानी है तो मोस्ट वेलकम जल्दी से आ जाए। सालन भी पड़ा है। हाँ जी ये सालन जो है ना और ये दही कुछ रखा था हमने माशाल्लाह दही भी है। और पहले जो है ना बच्चों को खिलाते हैं फिर हम खाएंगे इंशाल्लाह तारा। मैं एंड में खाऊंगा। एंड में? हाँ जी। क्यों भूख नहीं लगी हुई? अभी भूख नहीं है चाय पकौड़े खाएं। जब खाएंगे तो भूख भी लग जाएगी। चलें जी देखते हैं तब खाएंगे। देखते हैं अकरम भाई नेड़े नेड़े हो गए हैं भाभी के देख रहा है कि कैसे मक्खन लगा रही हूँ। ये मक्खन लगाने में महर है। अच्छा नहीं नहीं रोटियों को मक्खन लगा रही हूँ तो आपको थोड़ी मक्खन लगा रही हूँ। मुझे मक्खन लगाए ना लगाए मेरी सेहत पे कौन सा असर पड़ने वाला है। चलें जी रोटियां जो है ना तकरीबन मक्खी इज रही है। हाँ जी लगता है ऐसे है। हाँ जी मक्खी इज भी रही है और पकाई भी जा रही है। हाँ जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह भाभी जान ने प्लेटों में सालन डाल दिया है। आप जो है ना हम अपना टाइम नाश्ता कर लें। हाँ जी फिर बाद में चावल भी खाने पड़ेंगे हमें दोपहर को जब परनावण जाएंगे हम। हाँ, जब परनावण चावल भी खाओगे। हाँ जी उधर जो है ना चावल होते हैं तो फिर आप ना सालन के साथ खाना जो है राजू के खा ले। हाँ फिर चावल ना खाने पड़े। नहीं भाई इतने चावल नहीं खाता ना इस। हाँ, मैं चावल कम खाता हूँ भाई को कह रही हूँ। चलें जी आ जाएं प्यारे बहन भैया नाश्ता हमारा जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है और हम भी रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। तो नाश्ता कर लें फिर आप सबसे मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता हमने कर लिया और अब जो है ना ये दोनों जा रही हैं तैयार होने के लिए पुराने घर में और हम तो खड़े हैं। हम तकरीबन जो है ना वही सूट पहनेंगे जो कल पहने हुए थे। हमने पहना हुआ है नहीं आपके लिए हमने कपड़े निकाल के रख दिए इस्त्री भी हुए पड़े हैं। नहीं हमने न्यू पहनने नहीं है ना। हाँ जी हम यही पहनेंगे हमारी क्या तैयारी होती है मर्दों की क्योंकि अगर इनको अभी उतार देंगे तो ये फिर इनको धोने पड़ेंगे और काफी मुश्किल बनेगी। बिल्कुल इनको जो है ना तंग नहीं करना चाहिए। तो ये जा रही हैं अब जो है ना आप इनकी शक्लें देख सकते हैं और फिर जो है ना बाद में आप देखना कि ये वही हैं या और है। हाँ जी अब जो है ना तैयार होते हैं और फिर जो है ना जाना है दुल्हन को लेने के लिए। और आगे की वीडियो भी आप सबसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और वहाँ का इलाका भी आप सबको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। कहाँ जाना है? हाँ जी कहाँ पे जाना है हमें। तो आप सबसे गुजारिश है वीडियो अगली जो है ना वो ज़रूर देखनी है। और ये वीडियो जो है ना हम इसका यहीं पर एंड कर रहे हैं। बच्चे भी तैयार हो चुके हैं सब और ये तैयार होने के लिए जा रही हैं। बस हम जो है ना हाथ मुँह धोएंगे और तैयारी हो चुकी है हमारी। हाँ जी तो इस वीडियो का हम करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला फिर कल वाली वीडियो में। जिंदगी बाकी तो कल वाली नहीं शाम को आएगी और वीडियो। हाँ जी आज दो वीडियो डालेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिलहाल अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।